दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई की वजह से आम आदमी पिसता जा रहा है, लेकिन देश की सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। इस परेशानी के चलते आज आम आदमी पार्टी ने शहर के वाल्मीकि चौक में पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार दी वधीकियां ते वाधी महंगाई ते मोदी सरकार खिलाफ भी दे रहे हैं, कैप्टन सरकार खिलाफ भी दे रहे हैं। इस वेले सारी जनता जिहड़ी आ महंगाई दे थले इन्नी दबी गई आ कि उन्हां नूं अपनी रोटी पानी दे भी लाले लगे आ, काम काज कोई नहीं गा, नौजवान बेरोजगार तुरे फिरदे आ। इत्थे साडे विच बंदे दो जिहड़े आ एम टैक कीती होई जिहड़े इत्थे दिहाड़ी करन आए आ उह वी साडे विच बैठे आ। प्याज 100 रुपए किलो करता आप मोदी जिहड़ा इन्नी रौली पाउंदा सीगा, जदों 50 रुपए किलो होया सीगा उदों कहिंदा सी ये कर देंगे वो कर देंगे, आप हुण 100 रुपए किलो गंढे करके ते आप विदेशां दी सैर करदा आ। तुसीं देख सकदे हो कि प्याज दे रेट कित्थे चल गए है, डीजल पेट्रोल हर कुछ महंगा हो रहा है। तो आपां कुछ साल पहले दी गल करिए जदों मोदी जी इन्ना रौला पाउंदे सीगे कि हाँ जी 50 रुपए 60 रुपए गंढा हो गया, तो अज जदों 150-150 रुपया छू रहा है प्याज ते पेट्रोल डीजल दे ते पता ही नहीं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੁਮੈਨ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन देश के नेता विदेश दौरे में व्यस्त हैं। कार्यकर्ताओं ने देश की सरकारों के आगे अपील करते हुए कहा कि महंगाई पर किसी तरह रोक लगाई जाए ताकि आम आदमी आराम की जिंदगी जी सके। पठानकोट से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।